कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बड़ी आफत आ गई है। इसके बाद पूरी पार्टी सदमे में है। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। पूरे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वह चिंता में पड़ गए हैं कि राहुल गांधी के साथ एक कैसे हुआ। दरअसल सुप्रत कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाई थी और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी संसद की सदस्यता खत्म हो सकती है और लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर ही इस पर फैसला ले लिया है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अब वह संसद के सदस्य नहीं रहे। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वह चिंतन और मनन में लग गए हैं। अब राहुल गांधी के पास ऐसे में क्या रास्ता बचता है जिससे वह संसद में बने रह सके। तो जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी के पास अब सिर्फ जो अपर कोर्ट है उसका ही विकल्प बचा है। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी हाई कोर्ट जा सकते हैं और अगर हाई कोर्ट से उन्हें सूरत कोर्ट के फैसले पे स्टे मिलता है तो संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी। दूसरा विकल्प, अगर उन्हें हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा, वहां से राहत की उम्मीद की जा सकती है। अगर तमाम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है तब उनके संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। दरअसल यह पूरा मामला है, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के नाम के पीछे मोदी लगा होता है वह चोर होते हैं। उन्होंने नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी समेत कई नामों का उदाहरण दिया था। इसी को लेकर एक शख्स ने सूरत कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसी याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को राहुल गांधी को सजा हुई थी और उस मामले में अब कोर्ट का फैसला आ गया है। इसके बाद एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से यह भी कह रहे थे कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां तक कह दिया था कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। वह केरल के वायनाड से सांसद थे। अमेठी उनकी गढ़ रही है लेकिन पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी से वह चुनाव हार गए थे। अब अभी मतलब जो लोकसभा सचिवालय का निर्णय है उसके मुताबिक अब राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं है। राहुल गांधी पर जब कार्रवाई हुई है इसके बाद एमपी में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कमलनाथ, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करने में सारी हदें पार कर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश रही थी। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही षड्यंत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किए गए थे, लेकिन इससे इंदिरा जी मजबूत हुई थी, कमजोर नहीं। आज भारत की जनता पहले से कहीं मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ी है, इंसाफ होकर रहेगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है।